ओम शांति। हम आप सभी इस पुरानी दुनिया के अपनी अपनी प्रवृत्तियों में रहते, सेवाओं में रहते, हमको भी आपको भी सभी को, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सेवाएं मिली हुई है। कार्य में रहते, व्यवहार में रहते, लौकिक अलौकिक संबंधियों में रहते, साथियों में रहते, परिवार में रहते और फिर हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं तो बुद्धि में है, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं परंतु व्यवहार में कहा अनेक प्रकारों की प्रवृत्तियों में है और हमारी बुद्धि में लक्ष्य है, रहना व्यक्त में है, कर्म व्यक्त में है, दुनिया व्यक्त है पर बनना हमें अव्यक्त है। जिसका सैंपल साकार बाबा की चाहे सन्मुख में अनुभव किए, चाहे उनकी साकार बाबा के अनेक उदाहरण चरित्रों के सुनते, तो ये भी हमारे लिए चेतन सन्मुख साकार की मिसाल है। इसलिए हम सभी इस तपस्या वर्ष में ये पुरुषार्थ रखते कि हमें अपनी स्थिति अव्यक्त फरिश्ता बनानी, अपने को सूक्ष्म वतन निवासी बनाना है। उसकी प्रैक्टिस बहुत काल से करते रहेंगे तब ही उसी स्थिति का अनुभव करते चले। ये अंत में नहीं होंगी परंतु बहुत काल की मेहनत और अटेंशन और पुरुषार्थ से होंगी। तो कोई ने मेरे से प्रश्न पूछा कि दादी आपका अनुभव क्या है, तो सबसे पहले हम सभी को नॉलेज है कि फरिश्ता कहते किसको है, अव्यक्त स्थिति कहती किसको है, सूक्ष्म वतन क्या होता, ये हम लोग को ज्ञान है कि एक साकारी दुनिया है, एक निराकारी दुनिया है, परंतु ये संगम पर हमारे पास में विशेष अव्यक्ति वतन की सैर करने की भी विधि है, अव्यक्त वतन वासी बनने की भी विधि है। बाबा हमारा अव्यक्त वतन वासी है, तो अव्यक्त स्थिति अब से बनने की हमारी सभी के बुद्धि में ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य से लक्षण आते, वो स्थिति है कि हम सभी को ये अभ्यास करना चाहिए। एक है कोई भी कर्म करो उस कर्म का रूप बन जाते,
तो कर्म के रूप बनने से कर्म का माइंड पर इफेक्ट होता है। कर्म थकाएगा, कर्म बुद्धि को भारी करेगा। ये कर्म करना है, ये कार्य करना है, ये इतना कार्य है, ये इतनी बात है, ये इतना कैसे होगा, इतना कैसे होगा, उसका बोझ हो जाता है। परंतु कितना भी बड़े विशाल कार्य हो, जब हम बाबा को सामने रखते तो आता कि ये मेरा कार्य है या बाबा का कार्य है, मेरी जवाबदारी है या बाबा की जवाबदारी है, मेरा डायरेक्शन है या बाबा का डायरेक्शन है, मुझे आत्मा की श्रीमत है या बाबा की श्रीमत है या किसी की श्रीमत है। तो बुद्धि में आता श्रीमत जो श्रेष्ठ बनाती वो बाबा की है। तो बाबा बुद्धि में आने से वो श्रोमणि श्रीमत सामने आती और उसी के अनुकूल फिर ये आता कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ या बाबा की आज्ञा है, बाबा करता बाबा कराता, बस इतनी बात में बहुत अंतर हो जाता बुद्धि। अगर आता बाबा करता बाबा कराता, बाबा की श्रीमत है, बाबा को याद करो, बाबा से प्रेरणा लो, तो बाबा हिम्मत दे देता, शक्ति दे देता और उसी शक्ति से फिर कार्य करो तो वो कार्य सरल सहज और सफलता प्राप्त करा। कोई विघ्न भी होगा, कोई डिफिकल्ट भी होगा, कई बातें ऐसी होती जो बहुत मेहनत भी होती, परंतु बाबा की हिम्मत से तो बाबा को सदा साथ रखो तो सहज होता। साथ माना कि सदा बाबा सन्मुख हो तो बुद्धि ऐसे लगे बाबा मुझे इशारा दे रहा है करो, ऐसी अनुभव होगा। चलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, लगेगा कि बाबा कुछ मुझे कह रहा है। इसके लिए जितना जितना बाबा के ऊपर अपना निश्चय होता, आधार बाबा होता, बुद्धि बाबा में होती, तो क्या होता, हर एक कार्य कहा हल्का हो जाता, सरल हो जाता। दूसरा, ये बुद्धि में होता कि मैं ट्रस्टी हूं, तो ट्रस्टी भी हूं और ट्रस्ट वर्दा भी है, माना इतना फेथ भी है। तो जहां फेथ होता वहां बाबा की सूक्ष्म बहुत मदद होता, जिसको कहा जाता है जितना तुम विश्वास करेंगे उतना तुम बन पाएंगे। तो फेथ है तो उसे पहली फिर धारणा ये होती, हमारा अनुभव कहता कि जितना जितना हम हर एक कार्य को उमंग से करेंगे, उत्साह से करेंगे, उतना वो कितना भी बड़ा कार्य होगा
वो हल्का सहज हो जाता। अगर पहले सोचा जाता ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, तो छोटा कार्य भी मुश्किल हो जाता। अगर यही सोचा जाता उमंग में है, हाँ ये कैसे भी है, ये बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य मुझे करना ही है, ऐसे ही ये धंधा मुझे करना ही है, और ये मैं बाबा लिए करता, तो कैसा धंधा भी होगा तो भी आप लोग सहज कर सकेंगे, सेवा में जाएंगे तो भी सहज लगेगा। और फिर तीसरा, ये ज्ञान है बुद्धि में कि मुझे कमल फूल के समान प्यारा भी रहना है, न्यारा रहना है, तो न्यारेपन की विधि बहुत सबको सीखनी चाहिए। और उसकी फिर विधि है कि हर एक बात का बैलेंस रखो। कई बार क्या हो जाता, कहेंगे तपस्या करो तो बस धुन लगी तपस्या की, तो दूसरी बातों में जाएंगे। कई बार कहेंगे करो ये बहुत बड़ी सेवा, तो धुन लगी उनकी तो स्व उन्नति भूल जाएंगे। कब कहेंगे खूब धंधा करो अच्छी तरह से, आपको तो इतना है, तो उसमें इतना लग जाएंगे जो पढ़ाई छूट जाएंगे। कब कहेंगे लौकिक को खूब अच्छी तरह खुश करो, तो इतना उसमें लग जाएंगे जो अपना रेगुलर स्टूडेंट हूँ, ये भी छूट जाएंगे। रात को 12 बजे सोएंगे तो सुबह क्या उठेंगे, फिर कहेंगे क्या करूं। लेकिन हमने बाबा को देखा, हर एक का टाइम एक्यूरेसी और फिर सब का बैलेंस, इसलिए अपनी दिनचर्या बैलेंस से होती है। अगर कोई दिन कार्य बहुत है तो बैलेंस करके दूसरे दिन फिर उसको नॉर्मल मिलाओ। होता है कभी कभी बहुत है, परंतु एक बात यह है, जैसे शरीर रखो, भले आप 16 घंटा भी दिन रात में काम करो, फिर भी कम से कम इतना सोचेंगे कि 4-5 घंटा तो आराम करो। अगर आप 8 दिन आराम ना करो, नहीं बहुत काम है, और रात का आराम नहीं करो, तो सारा जो कार्य है वो इतना ब्रेन थकेगा, जो फिर आप 2 घंटे के भी काम करने के योग्य नहीं। तो शरीर को भी बैलेंस चाहते, कार्य भी करो, आराम भी करो, भोजन भी खाओ। ऐसे ही इस पढ़ाई की हमारी चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इस चारों में बैलेंस रखो। बैलेंस की आप अपने पास में विधि सीखो, उनका चार्ट रखो। बाबा कई बार कहते 8 घंटा काम करो, 8 घंटा पढ़ाई करो, 8 घंटा आराम करो, ये बैलेंस देता है। लेकिन उसको दिनचर्या में हम कैसे अपने अपने व्यवहार अनुसार अपने शरीर को भी चलाते कैसे रखें, उसकी आप लोग सेटिंग करो। तो सेट करने से हर एक बात का आप अनुकूल टाइम रखें। तो टाइम रखने से पढ़ने के टाइम पढ़ाई होगी, योग के टाइम योग होगा, और काम के टाइम काम होगा, तो बैलेंस होगा। नहीं तो बैलेंस छोड़ देते तो रिजल्ट ये होती है, तो कहाँ टू मच में चले जाएंगे कहाँ। तो ये सभी बैलेंस वगैरह रखने से अपनी स्थिति नेचुरल शांत ऑटोमेटिक रहती। गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल में होती, तो सेवा की स्पीड भी कंट्रोल में हो,
तो व्यवहार की भी स्पीड कंट्रोल में हो तो अव्यक्त रहने की स्थिति भी कंट्रोल में, ना उसमें हाई जाओ ना उसमें लो जाओ, ऐसा हमारा अनुभव कहता है।